सो अब हम करेंगे स्कैपला की मसल अटैचमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्कैपला के दो सर्फेसेज होते हैं, एक उसकी कॉस्टल सर्फेस होती है, एक उसकी डॉर्सल सर्फेस होती है। सो कॉस्टल सर्फेस में स्कैपला का सब स्कैपुलरिस फोसा होता है, ये वाला। ठीक है, इस सब स्कैपुलरिस फोसा से आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे सब स्कैपुलरिस मसल की ओरिजिन होती है। इसी तरीके से डॉर्सल सर्फेस पे प्रेजेंट सुप्रास्पाइनस फोसा और इन्फ्रास्पाइनस फोसा के नाम से आप याद रख सकते हो कि सुप्रास्पाइनस फोसा में सुप्रास्पाइनेटिस मसल की ओरिजिन होती है और इन्फ्रास्पाइनस फोसा में इन्फ्रास्पाइनेटिस मसल की ओरिजिन होती है। ठीक है, उसके अलावा आपके लेटरल बॉर्डर के ऊपर भी ओरिजिन होती हैं। ठीक है, तो अगर आप डॉर्सल सरफेस का यानी पोस्टीरियर सरफेस का लेटरल बॉर्डर देखते हो तो सबसे पहले यू हैव टू गो टूवर्ड्स योर ग्लेनाइट कैविटी। ग्लेनाइट कैविटी में आपके ऊपर आपके पास सुप्रा ग्लेनाइट टबर्कल होता है और नीचे आपके पास इन्फ्रा ग्लेनाइट टबर्कल होता है। अब आपके सुप्रा ग्लेनाइट टबर्कल के ऊपर ना बाइसेप्स ब्रेकाई मसल की ओरिजिन होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेटरल बॉर्डर के ऊपर ओरिजिन होती है और मीडियल बॉर्डर के ऊपर इंसर्शन होती है। तो ग्लेनाइट कैविटी पे सुप्राग्लेनाइट टबर्कल पे बाइसेप्स ब्रेकाई की ओरिजिन होगी और इंफ्राग्लेनाइट टबर्कल पे ट्राइसेप्स ब्रेकाई की ओरिजिन होगी। ठीक है, उसके बाद आपके लेटरल बॉर्डर के ऊपर आता है, क्योंकि देखो बाइसेप्स ब्रेकाई सुप्राग्लेनाइट टबर्कल पे था और ट्राइसेप ब्रेकाई इंफ्राग्लेनाइट टबर्कल पे था। तो अब इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि टी फॉर ट्राइसेप ब्रेकाई, तो लेटरल बॉर्डर ऑफ द डॉर्सल सर्फेस पे आप टी से मसल स्टार्ट होंगे। ठीक है, वो कौन से होंगे, टीरीज माइनर, टीरीज मेजर एंड देन इन्फीरियर एंगल पे यू वुड हैव लेटिसमस डॉर्साई की ओरिजिन, क्योंकि लेटरल बॉर्डर पे सारी ओरिजिन्स हैं। ठीक है, अगेन बाइसेप्स ब्रेकाई मसल की ओरिजिन, ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल की ओरिजिन, देन वी हैव टीरीज माइनर, टीरीज मेजर एंड देन वी हैव लेटिसमस डॉर्साई ऑन द इन्फीरियर एंगल। ठीक है, जैसे लेटरल बॉर्डर पे ओरिजिन्स थी वैसे मीडियल बॉर्डर पे इंसर्शन है, लेकिन मीडियल पे जो कॉस्टल साइड का मीडियल बॉर्डर है वहाँ पे आपका सेराटस एंटीरियर मसल की इंसर्शन हो रही है। ठीक है, और जो आपकी डॉर्सल सर्फेस का मीडियल बॉर्डर है वहाँ पे आपके पास ऊपर जो सुपीरियर एंगल है वहाँ पर होगा लेवेटर स्कैपुला मसल। ठीक है, एंड देन जैसे यहाँ पर आपका ट्राइसेप ब्रेकाई टी टी के बाद टीरीज माइनर टीरीज मेजर था, तो वहाँ पे इस साइड पे आप इससे याद रख सकते हो कि माइनर मेजर है, देन यहाँ पर भी माइनर मेजर है बट वो रोम्बॉइड माइनर रोम्बॉइड मेजर है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखोगे कि लेवेटर स्कैपुला की इंसर्शन होती है इन्फीरियर एंगल से लेके रूट ऑफ स्पाइन तक, बिकॉज दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस। देन रूट ऑफ स्पाइन पे ओरिजिन होती है रोम्बॉइड माइनर मसल की। ठीक है, और रोम्बॉइड मेजर की रूट ऑफ स्पाइन से लेके इन्फीरियर एंगल तक होती है। ठीक है, उसके अलावा आपकी इंसर्शंस कौन सी हैं, दो, एक एक आपकी इंसर्शन है और एक आपकी ओरिजिन है जो कि आपकी स्पाइनस प्रोसेस पे है, दिस इज़ योर स्पाइनस प्रोसेस। अब आपकी स्पाइनस प्रोसेस का जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वहाँ से, और आपका ये आगे एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर पे। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस के पोस्टीरियर बॉर्डर से होता हुआ एक्रोमियन प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर पे जाएगा एंड ये आपका डेल्टॉइड मसल है, ये आपका आगे आएगा, आपका जो क्लेविकल है ना ये आगे क्लेविकल है, क्लेविकल के एंटीरियर बॉर्डर और सुपीरियर सरफेस, लेटरल वन थर्ड के एंटीरियर बॉर्डर और सुपीरियर सरफेस पे इसकी ओरिजिन होगी डेल्टॉइड मसल की। ठीक है, ये आपका बहुत बड़ा मसल है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन। इस मसल की आपके क्या होगी कि स्पाइनस प्रोसेस के पोस्टीरियर बॉर्डर से इसकी ओरिजिन होगी, एक्रोमियन प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर पे इसकी ओरिजिन होगी एंड वहाँ से होते हुए, क्योंकि ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है। अच्छा, तो आपका जो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है वहाँ से ये डेल्टॉइड मसल जब आगे आएगा एक्रोमियन प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर से, तो ये आपका एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट से आगे जाके क्लेविकल के लेटरल वन थर्ड के एंटीरियर और सुपीरियर सर्फेस पे होगा। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर और सुपीरियर सर्फेस पे इसकी ओरिजिन होगी। इसी तरीके से ट्रेपीजियस आपके स्पाइनस प्रोसेस के एंटीरियर बॉर्डर से आएगा, एक्रोमियन के मीडियल बॉर्डर से होता हुआ आपके क्लेविकल के लेटरल वन थर्ड के पोस्टीरियर बॉर्डर पे जाएगा, ये इसकी इंसर्शन का पॉइंट है। ओके, उसके अलावा आपका जो स्कैपुला है उसमें जो कोरकॉइड प्रोसेस है उसकी टिप ऑफ कोरकॉइड प्रोसेस पे आपकी बाइसेप्स ब्रेकाई और क्रोकोब्रेकियालिस मसल की ओरिजिन है। ठीक है, बीसी से आप इसको याद रख सकते हो कि बीसी मसल्स आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द कोरकॉइड प्रोसेस, उनकी ओरिजिन है बी फॉर बाइसेप्स ब्रेकाई, सी फॉर क्रोकोब्रेकियालिस एंड देन उससे थोड़ा सा पीछे करके कोरकॉइड प्रोसेस पे आप
आपके पास पेक्टोरलिस माइनर मसल की इंसर्शन है एंड देन आपका ये सुप्रा स्कैपुलर नॉच है, इसके पास आपका सुपीरियर एंगल की तरफ आपके पास ओमोहाइड मसल की ओरिजिन है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. दिस वॉज अबाउट द मसल अटैचमेंट्स ऑफ स्कैपुला. डू टेल मी दैट आपको और किस चीज़ पे वीडियोस देखनी है एंड क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं. सो कीप गिविंग योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर बेयरिंग मी सो लॉन्ग. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.